Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. सेना को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने मूर्ख? ठीक वैसे ही जैसे अब हम ये दुस्साहस करने जा रहे हैं। क्या अब क्या करने वाले हैं ये दोनों? हमारी विद्युत शक्ति इसके आर पार हो रही है। इसे क्षति पहुंचाए बिना ये कैसे संभव है भ्राता? धूम्र लोचन नाम है मेरा। धूम्र हूं मैं, धूम्र। और धूम्र को विद्युत कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अत्यंत शक्तिशाली हैं आप। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। आप हमारे सामने आइए स्वामी। हाँ आइए स्वामी, कहाँ हैं आप? आइए ना, प्रकट होइए, समक्ष आइए। भैया, ये नवीन असुर तो उस धूम्रलोचन असुर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। दो प्रचंड प्रबल अद्वितीय रेखाओं के समान अग्रसर हो रहे हैं चंड और मुंड। इन भयंकर असुरों की इस स्पर्धा का क्या अंत होगा? क्या ये दोनों ही इसमें विजय होंगे भैया? धूम्र लोचन हूँ मैं, धूम्र। मूर्खों, मुझे पछाड़ना इतना सरल नहीं। आ रहा हूँ मैं। भैया, ये दोनों चंड और मुंड तो विद्युत की गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये धूम्र लोचन धूम्र के वेग से। हाँ भैया, चंड और मुंड अति प्रचंड। विजय में से किसी की भी हो, आज असुरों को समर्थ और कुशल महानायक अवश्य प्राप्त होगा। ये कौन है?
जो इन तीनों को गिरा दिया। किसने किया ये दुस्साहस? और कौन है ये जिसने हम पर प्रहार किया? जो भी है सर्वप्रथम उसका ही वध करूंगा मैं। भैया, इन तीनों बलशाली असुरों को धूल धूसरित करने वाला अवश्य कोई विशालकाय और शक्तिशाली असुर होगा। आपको दिखाई दे रहा है वो? नहीं गणेश, ये चंड मुंड और धूम्रलोचन मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ गणेश, इसका तन सुगठित अवश्य है, किंतु यह असुर इतना सबल समर्थ योद्धा प्रतीत नहीं होता कि इन तीनों असुरों को रोकने में सक्षम हो सके। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? भैया सावधान। कम नहीं था मेरा। अवश्य किसी का स्वर श्रवण किया था मैंने। प्रणाम स्वीकार करें असुर गुरु शुक्राचार्य। भैया इतने ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे हम। हमें अपना स्वर मध्यम ही रखना होगा। उचित कहते हो गणेश। ये तुच्छ असुर हमारा सामना नहीं कर सकता। प्रतीत होता है दर्शक दीर्घा में से किसी ने इसे उठाकर फेंक दिया है और ये यहाँ आकर गिर पड़ा है। कदाचित यही सत्य है, किसी ने फेंक दिया इसे। सत्य तो ये है कि तुम तीनों को रोक दिया है मैंने, और सत्य ये भी है कि इस समय उस मुकुट तक बढ़ने के स्थान पर मेरे समक्ष खड़े रहने पर विवश हो तुम, और उससे बड़ा सत्य तो प्रस्तुत होगा जब तुम तीनों को पराजित करूंगा मैं। भैया मुझे तो प्रतीत होता है कदाचित इनके मार्ग की बाधा बनकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है ये असुर। यदि ये इनके मार्ग से नहीं हटा तो चंडमुंड और धूम्रलोचन इसका भीषण अंत कर देंगे। गणेश, जो योद्धा युद्ध भूमि में उतरने का साहस रखता हो उसकी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ तो केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये आत्मघात करने आया है या अवश्य किसी गुप्त शक्ति का स्वामी है। गुप्त शक्ति? ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति हो सकती है इसके पास जिससे ये इन असुरों का सामना कर सकेगा?
ए मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। याद भी है कैसी शक्तियां हैं हमारे पास, किस शक्ति के बल पर हमसे टकराने चले आए हो? नहीं नहीं नहीं, शक्ति युक्ति कुछ नहीं है इसके पास। ये तो मुझे कोई मूर्ख उद्दंड प्रतीत होता है। हाँ, शब्दों से नहीं मानेगा ये। इसे तो प्रताड़ित करना ही होगा हमें। आओ प्रहार करो मुझ पर, आओ मुझ पे वार करने के बड़े इच्छुक हो ना तुम तीनों? फिर संकोच किस बात का, आओ। तुच्छ असुर को पराजित करके संतुष्ट हो जाओ तुम। हाँ, यदि ये हमारे मार्ग की बाधा न बनता तो हम तो विजयी होने ही जा रहे थे। विजय तो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। चलो इसका वध करके प्रसन्नता प्राप्त करने का अवसर तुम्हें प्रदान करता हूँ। संतुष्ट और प्रसन्न तो मैं तब होऊंगा जब इसका अंत करने के बाद तुम दोनों का भी वध करूंगा। सावधान तुच्छ असुर, तुम्हारा काल धूम्र लोचन बढ़ रहा है तुम्हारी ओर। ये विचित्र असुर तो हमारे परिहास के ही योग्य है। हाँ प्राता मुंड, इससे विशाल तो इसकी ढाल है। उत्तम प्रहार किया तुमने धूम्रलोचन, और अगले प्रहार से अंत भी करो इसका। अब मेरे प्रहारों को नहीं रोक सकता तू। कब तक बचोगे मुझसे तुच्छ असुर? मैं निरंतर वार करता रहूंगा तुम पर। धूम्र लोचन तो निरंतर प्रहार कर रहा है और ये असुर तो अपना ही बचाव कर रहा है। ऐसे कब तक टिक सकेगा ये धूम्र लोचन के समक्ष? वध करो इसका धूम्र लोचन, वध करो, अंत करो इसका। खंडित हो गई है इसकी ढाल, अब एक ही प्रहार से इसका अंत करता हूँ। अब क्या धूम्र लोचन इसका वध कर देगा भैया? वो झुका अवश्य है, किंतु युद्ध का अंत तो तभी संभव है जब जय या पराजय निश्चित हो। क्या हुआ मेरे परशु के आघात से? साहस टूट गया तुम्हारा? मेरा सामना करने का उत्साह तुम्हारा शिथिल पड़ गया क्या? न मेरा अंत होगा ना ही मेरा साहस चूकेगा, और मेरा उत्साह वो तो अब जागृत होगा। मूर्ख, हाँ
ये मुस्कुरा क्यों रहा है? हाँ ये तो मेरी भी समझ से परे है। ये क्या? मैंने इसे आहत किया किंतु इसके मुख पर यह स्मित हास्य है और इसके नेत्रों में यह विचित्र उन्माद लिए कितना भयंकर भाव है। गणेश, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अवश्य यहां कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अभी इस युद्ध का अंत नहीं, आरंभ मात्र हुआ है। इसके रक्त की बूंद से ये कौन उत्पन्न हो रहा है? कौन है ये असुर? ओह, प्रतीत होता है इसे पराजित करना इतना सरल नहीं। रक्त बीज, मेरा नाम है रक्त बीज। अरे देखा क्या, इसकी रक्त की बूंद से इसका प्रतिरूप प्रकट हो रहा है। अब तो ये एक से दो हो गया। अद्भुत है असुर, अद्भुत है इसकी क्षमता। जो इस पर वार करेगा इसका रक्त बहेगा, वो इसके समान अन्य असुरों को अपने समक्ष पाएगा। जैसा नाम वैसा परिणाम, सत्य तो ये है जो मुझसे उत्पन्न होते हैं उनके रक्त से भी मेरे ही प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक घाव से ये एक से अनेक बन जाता है। भ्रातामुंड, इसे एक को ही पराजित करना कठिन था, तो इसके समान अनेकों का सामना कोई कैसे करेगा? अब कहो कितने प्रतिरूपों को रोकोगे तुम? जितना रोकोगे उतना ही बढ़ूंगा मैं, जितना मुझ पे वार करोगे उतना ही शक्तिशाली बनकर तुम सबका काल बनूंगा मैं। इसका अंत करने का कोई अन्य उपाय सोचना होगा मुझे। कहिए असुर गुरु, पर्याप्त है ना मेरा इतना शक्ति प्रदर्शन? हो गया ना प्रमाणित कि मैं ही असुर महानायक पद के योग्य हूं? इसका अर्थ तो ये है कि ये युद्ध अभी थमा नहीं है भैया। आपका मौन क्या संकेत कर रहा है समझ रहा हूं मैं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ऊपर आकर अपने मुकुट को धारण कर अपने सिंहासन पर स्थित हूं? उचित है, आपकी इच्छा का सम्मान अवश्य करूंगा मैं, ऊपर आऊंगा मैं। क्या समझते हो तुम हमें? हाँ, एक तुच्छ असुर अपने तुच्छ प्रतिरूप को प्रस्तुत कर हमें झुकने पर, हमें रुकने पर विवश कर देगा और हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। उचित कहा तुमने, तुम सबसे मुझे यही अपेक्षा थी। अपनी भलाई चाहते हो तो शांति पूर्वक मुझे आगे जाने दो। विश्वास नहीं होता, इतनी सरलता से आगे बढ़ना चाहता है ये, उस सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। अरे हाँ भ्राता, ये आगे बढ़ के अपने काल से भेंट करना चाहता है। सत्य कहा भ्राता मुंड। बस अब इस
इससे आगे तुम्हें और नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हारे सभी प्रहारों का उपाय है मेरे पास। चित्र और शक्तिशाली है। यदि ये इस स्पर्धा में विजयी हो गया तो सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। नेता का चुनाव केवल शक्ति प्रदर्शन के बल पर नहीं होना चाहिए, अपितु जो हर प्रकार की योग्यता रखता हो वही नेता बनने का अधिकारी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।